Good morning, children. Children, hope you all are fine at home. This is a maths class, children, and we were studying money. Yes. Children, today I will teach you how to add rupees and paise together. Yes. आज हम लोग सीखेंगे कि रुपीस और पैसे को दोनों को साथ में कैसे ऐड करते हैं. वैसे तो मैंने आपका लाइव क्लास ले लिया इसके ऊपर और ऑलमोस्ट बच्चों को समझ भी आ गया था, बट कुछ बच्चों को नेटवर्क इशू था, उनको क्लियरली बोर्ड नहीं दिख रहा था, बीच बीच में नेटवर्क चला जा रहा था, तो दे डिमांडेड फॉर अ वीडियो ऑफ दिस मनी चैप्टर. ओके, सो आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर मनी, ओके, फॉर दिस वर्कशीट. ऑलराइट, सी, रुपीज़ और पैसे दोनों को ऐड करना, कैसे ऐड करना. सपोज यू गो टू अ शॉप टू बाई चॉकलेट. सपोज कीजिए चिल्ड्रन कि आप एक दुकान पे जाते हैं जहाँ पे आपको चॉकलेट खरीदना है. ओके, और आपने चॉकलेट खरीदा भी, ठीक है, लेकिन शॉप वाले ने आपको कुछ पैसे दे दिए और कुछ नोट भी दे दिए. मनी में आपको कुछ नोट दिया और कुछ चेंज पैसे दे दिए. तो आपको अब घर आएंगे तो आपकी मम्मा आपसे पूछेंगे कि कितने पैसे रिटर्न किए, तो आप ऐड करोगे तभी तो बताओगे शॉप वाले ने आपको कितने पैसे दिए हैं. आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना. तो रुपीज़ और पैसे को कैसे एक साथ, क्योंकि रुपीज़ और पैसा दोनों मिला के आपका टोटल मनी है ना चिल्ड्रन. अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सिर्फ रुपीज़ को ऐड करके तो नहीं बताओगे, पैसों को भी ऐड करना होगा उसमें, है ना. कितना टोटल मनी आपको मिला शॉप से, रिटर्न किया आपको शॉपकीपर ने, वो दोनों आप जोड़ोगे तब आपको पता लगेगा. यस, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मनी में रुपीज़ और पैसे दोनों को कैसे ऐड करते हैं. सपोज चिल्ड्रन यू आर हैविंग रुपीज़ टू, देखिए, ओके, आपके पास दो रुपए हैं और 50 पैसे हैं. आपको इसको ऐड करना है, रुपीज़ टू प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे. यू हैव टू ऐड, यू विल राइट व्हाट, यू विल राइट, इसको आप कैसे लिखेंगे. पहले तो रुपीज़ लिखना पड़ेगा सबसे आगे, ठीक है. रुपीज़ टू पॉइंट 50, ओके. पॉइंट के बाद जो होता है चिल्ड्रन, पॉइंट के बाद जो आता है उसको हम लोग पैसे में काउंट करते हैं. पॉइंट से पहले जो होता है वो रुपीस होता है, ओके. सो टू रुपीस एंड 50 पैसे, कैन यू सी, टू रुपीस एंड 50 पैसे, ओके, ठीक है. दो रुपए 50 पैसे को हम लोग ऐड करके ऐसे लिखते हैं, रुपीस 2.50. यस चिल्ड्रन, रुपीज़ 2.50. इसी तरीके से बी देख लेते हैं, सी हियर, रुपीज़ 6 प्लस 25 पैसे, ओके, रुपीज़ 6 प्लस 25 पैसे. व्हाट विल बी राइट हियर, रुपीज़ 6 प्लस 25 पैसे को हम कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन, रुपीज़ 6.25, रुपीज़ 6.25 हम लिखेंगे, 6 रुपीज़ प्लस 25 पैसे को, ओके. एक बार सी भी देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. सी में क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन इन सी, लुक, रुपीज़ ट्वेंटी, ओके, देख रहे हैं, रुपीज़ 20 में हमें 50 पैसे को ऐड करना है. 20 रुपीज़ में 50 पैसे को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर विल बी व्हाट, कोई बता सकता है. रुपीज़ 20 प्लस 50 पैसे विल मेक व्हाट, रुपीज़ 20.50, ओके, रुपीज़ 20.50. आई बात समझ में चिल्ड्रन, 20.50 ये बनेगा हमारा, रुपीज़ 20 प्लस 50 पैसे को ऐड करने से रुपीज़ 20.50, ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक समझ आ गया. देखिए डी भी देखते हैं, डी में क्या है, रुपीज़ 30
प्लस 20 पैसे प्लस 50 पैसे। ओ माय गॉड, दो बार पैसे आ गए इसमें। अब हम क्या करेंगे, पहले पैसों को ऐड करेंगे, पहले इन दोनों पैसों को ऐड कर लेंगे, फिर रुपीज़ करेंगे। ओके, 20 पैसे प्लस 50 पैसे कितने हो जाएंगे, दोनों पैसे हैं। पहले हम लोग इधर ऐड करते हैं 20 एंड 50 पैसे। पैसे को हम लोग ऐड करेंगे, क्या आएगा, 0 प्लस 0 क्या होता है चिल्ड्रन, टेल मी, 0 प्लस 0 इज 0 एंड 2 प्लस 5 7। वी ऑल नो, टेक आउट 5 फिंगर्स एंड 2 फिंगर्स एंड ऐड इट, व्हाट विल बी हियर, 70 पैसे। इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या बन गया, 70 पैसे। यस, कैन यू सी, देख रहे हो, तो हमने यहाँ पैसों को 20 पैसे और 50 पैसे दोनों पैसों को ऐड कर लिया। ओके, तो हमारे क्या हो गए, ये 70 पैसे। तो अब आंसर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, व्हाट विल बी द आंसर, रुपीज 30.70। रुपीज 30.70 विल बी द आंसर, रुपीज 30.70 विल बी द आंसर। ओके चिल्ड्रन, समझ आई बात, क्लियर हुआ ये, ऑल राइट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, कैन यू सी, इसमें हर जगह सिर्फ रुपीज है, देखो इसमें पैसे है ही नहीं, रुपीज रुपीज एंड रुपीज, ओनली रुपीज आर देयर। इसको हम सिंपल एडिशन करेंगे, है ना, जहाँ पे सिर्फ रुपीज है, पैसे नहीं है, उसको हम लोग सिंपल एडिशन करेंगे, अभी कर लेते हैं, लो इसको अभी करते हैं हम, देखो रुपीज 65, रुपीज 65, ओके, प्लस रुपीज 10 एंड रुपीज 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, सिंपल एडिशन है, 505 कितना होगा, ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है, 5 प्लस 5 क्या होंगे चिल्ड्रन, 5 प्लस 5 विल बी 10, और 10 का हम क्या करेंगे, सिर्फ ज़ीरो लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यस 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यू ऑल नो ना कैरी फॉरवर्ड एडिशन, 5 प्लस 5 विल मेक 10, सो वी राइट 0 हियर, एंड देन 1 प्लस 6 7 8, ओके, सो वी विल राइट 8 हियर, ठीक है, ओके, 80 क्या हो गया आंसर, रुपीज 80 क्या हो गया आंसर, रुपीज 80, यस, ठीक है, इतना समझ आ गया। सो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, रुपीज 65, रुपीज 10 एंड रुपीज 5 क्या बन जाएगा, रुपीज 80, रुपीज 80, यस, ठीक है, इसको हम लोग सिंपल एडिशन करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ जो है, रुपीज 84 प्लस 50 पैसे, यहाँ फिर पैसे आ गए हैं, है ना, रुपीज 84 प्लस 50 पैसे, यहाँ पे फिर पैसा आ गया, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग सिंपली लिख रहे थे, पैसे को हम लोग डॉट के बाद लिख रहे थे, डेसिमल के बाद, है ना, और रुपीज़ को आगे लिख रहे थे, रुपीज़ को हम लोग लेफ्ट साइड पे लिख रहे थे, लेफ्ट हैंड, और मेरा लेफ्ट हैंड चिल्ड्रन, आपका राइट हैंड, ओके, ठीक है, मैं उल्टा तरफ से बोर्ड के साइड पे लिख रही हूँ, इसलिए मेरा लेफ्ट हैंड, आपका राइट हैंड, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रुपीज 84.50, कैसे लिखा हमने, रुपीज 84.50, ओके, क्लियर हुआ, रुपीज 84.50, यस, ठीक है,
एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। इसमें भी सिर्फ रुपीज हैं। सी, रुपीज 10, रुपीज 10, रुपीज 10, थ्री टाइम्स रुपीज 10, रुपीज 10, रुपीज 10। ओके, इसको भी हम लोग सिंपल एडिशन करेंगे। कर लीजिए सिंपली, रुपीज 10, रुपीज 10, रुपीज 10। ओके, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, 0 0 0, कितने जीरो? 3 0। और 0 0 0 मिलके क्या बनेगा? एक जीरो। यस, 0 0 0 क्या बन गया? एक जीरो बन गया। अब यहाँ 1 2 3, 1 2 3, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, क्या होगा? 30 रुपीज़ हो जाएंगे ना, 1 2 and 3। यस, सो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 30 रुपीज़। क्या है आंसर चिल्ड्रन? रुपीज़ 30। सो वी विल राइट हियर रुपीज़ 30। ओके, रुपीज़ 30। ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।